ध्याय तो विषयान पुंसात, उसका चिंतन तभी होता है जब हम कोई दृश्य देखते हैं। इस पर बहुत सावधान रहे, बहुत खतरे पे है उपासना। ये जो मोबाइल है सबके पास है, छोटा है गले में टांगे, बड़ा है गाड़ी से उतर रहा तो मोबाइल है, रिक्शा चला रहा तो मोबाइल है। धन्य है कलयुग महाराज की चाल, सबके पास, घर घर कई, एक एक के पास कई, फुर्सत नहीं देगा वो, क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति करने का प्रताप है। जो शास्त्र सम्मत जीवन और भगवान नाम निरंतर, तो बहुत कम समय में, जो 10,000 वर्ष तक हाथ उठाए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े मंत्र जप करते, 24 घंटे नाम जप से वो प्राप्त हो जाता है। 10,000 वर्ष वो 24 घंटे कलयुग में, पर 24 घंटे क्या, 24 सेकंड भी का फुर्सत तुम्हें नहीं देगा वो। कुन जा रहे हैं साधु समागम करने, संत दर्शन करने, घंटी बज रही, ऐसी घंटी बजती है प्रभु से विमुख करती रहे। ए आवश्यक हो तभी स्विच ऑन करो, नहीं मानते हैं आज की व्यवस्था में उसकी जरूरत है। वो गैस सिलेंडर लाना है तो आपका मोबाइल, कई बहुत सी ऐसी, आजकल तो पैसे का भी हो गया है लेन देन उसी से, ठीक है युग के अनुसार दिनचर्या में उसका अस्तित्व आ गया है। पर आप ये ध्यान रखिए, हर समय उसका स्विच ऑफ रहे। आपको बात करनी है तो खोलिए, नहीं किसी का फोन आए अपने को जरूरत नहीं। बोले कोई समस्या हो गई, कोई ऐसा ऐसा, तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हरि का आश्रय लिए हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। या तो फिर वो कोई मोड़ कहते हैं कौन सा हो, हाँ ऐसे उसमें कि भाई कभी ऐसा हो। अब हर समय कुन्न कुन्न कर रहा है, आपका चिंतन जा रहा है। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी को मैसेज तो नहीं आया, किसी और कंपनी का था। हमारा चिंतन, बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के पद, बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है, और बढ़िया है नहीं, और क्या है, और क्या है, राधे राधे तुम बोलो, राधे राधे हम, घंटों चिपके रहते हैं। ऐसे बात करने में तो नाम जप हो सकता है, लेकिन ऐसे बात करने में नाम जप नहीं होता, क्योंकि श्रवणेंद्री पूरी वहीं लगेगी और मानसिक उत्तर देने के लिए हमारा सब प्रोग्राम अंदर चल रहा है। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो जो चाहो। अब कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते हैं। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं, अब आपका क्या होगा, गाढ़ चिंतन। बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं, मान जाइए। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौवरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे। और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए
छुप करके एकांत कमरे में आपके पास है, सिटकनी लगाई, बंद कर दिया और आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धि नाशात, अब आपका सर्वनाश हो जाएगा।